हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रोविट कोड में। तो आज हम लोग बात करेंगे गूगल क्लाउड के सर्टिफिकेशन के बारे में। तो गूगल क्लाउड अपना फ्री सर्टिफिकेशन इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें वो न्यू लर्नर्स को जो नए नए क्लाउड में एंटर कर रहे हैं उनके लिए वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो वो अपने कुछ सर्टिफिकेशन फ्री में दे रहा है। तो वही देखेंगे हम लोग कैसे उस पर अप्लाई करेंगे और कैसे फ्री सर्टिफिकेशन पाएंगे, एंड ऑल्सो हम बात करेंगे कि उसके प्रिपरेशन कैसे किए जाएंगे। ठीक है, ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, आपको लिंक पे क्लिक करना एंड आपको ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको हो सकता है अगर आप साइन इन नहीं किए हो तो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो आप वहाँ से साइन इन या लॉग इन कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये आएगा, तो यहाँ पे ज्वाइन क्लाउड गूगल क्लाउड इनोवेटर्स गेट सर्टिफाइड प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन कॉस्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे $1 भी कॉस्ट नहीं लगेगा। एंड ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे गूगल क्लाउड आपको सर्टिफिकेट भी देगा और साथ साथ में आपको फुल ट्रेनिंग भी देगा। तो यहाँ से मैंने लास्ट मंथ ही गूगल क्लाउड का एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था एंड सर्टिफाइड भी हुआ हूँ। सो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो जो सर्टिफिकेशन ये दे रहे हैं उनके डिटेल्स है। तो जो फर्स्ट एडिशन थे उसमें क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, डाटा इंजीनियर का सर्टिफिकेशन ये दे रहे थे, जो 18 मार्च से 30 मई तक चला। उसके सेकेंड एडिशन में क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो मैं सेकेंड एडिशन में था। थर्ड एडिशन जो स्टार्ट हुआ वो क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर एंड डेटा इंजीनियर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड जो अभी स्टार्ट किया है इन्होंने वो है क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट एंड डिजिटल लीडर। ये तीनों सर्टिफिकेट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें अब मैं डिटेल में बात करूँगा कि कौन सा सर्टिफिकेशन किसके लिए बेटर है। सो उस हिसाब से देखेंगे कि आप कौन सा सर्टिफिकेशन चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर एडिशन 4 इज ओके, जो एडिशन 4 चल रहा है जो नवंबर 4 से जनवरी 31 तक चलेगा और उसका क्लोजिंग डेट है 10/3/2024, मतलब 3 अक्टूबर 2024 को ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको अप्लाई ही करना है। एंड फिर यहाँ पे आपको एक इनोवेटिव प्रोग्राम मेंबरशिप का फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आपको फुल नेम, सिटी, फॉर एग्जांपल फिर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल आउट करना है। अगर आप अर्ली करियर में है क्लाउड कंप्यूटिंग के तो 0 से 5 इयर्स, मिड में है तो वैसे चूज कर सकते हैं। एंड आप कौन से रोल पे हैं, आर्किटेक्ट हैं, डाटा इंजीनियर हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं, जो भी आपका रोल फिट होता है, जो जिस जॉब पे अभी आप वर्क कर रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका एक डेव प्रोफाइल क्रिएट होगा। एंड सेकेंड स्टेप में you subscribe or like become a member, तो you have to click on the become a member। जब आप become a member बन जाएंगे तो फिर यहाँ पे एक फॉर्म आएगा जो आपको Google Cloud के लिए अप्लाई करना है। इसमें क्या, ऑर्गेनाइजेशन नेम, अभी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम एज योर कॉलेज, स्कूल नेम जो भी है वो फिल करना है। कॉर्पोरेट ईमेल, कॉर्पोरेट ईमेल क्या होता है, किसी भी मेल कि लास्ट में डोमेन नेम .com या जो भी डोमेन नेम होता है वो इंक्लूडेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल abc@xyz.com, ये हो गया कॉर्पोरेट ईमेल। तो ये उस कंपनी का नेम .com, .in जो भी होता है वो उसके कॉर्पोरेट ईमेल को हम बोलते हैं। और जो कॉर्पोरेट में वर्क नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट है उनके लिए उनका स्कूल नेम या कॉलेज नेम .com होगा। वो अपने स्कूल या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वो अपना एक स्कूल और कॉलेज ईमेल जनरेट करा सकते हैं और वहाँ से फिर आपको PQ सर्टिफिकेट जाननी, कौन से सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड डिजिटल लीडर, प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्चर, इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज प्रेफरेंस, गूगल क्लाउड हमेशा बहुत सारे लैंग्वेज में एग्ज़ाम लेता है इंग्लिश, मैड्रिन, स्पेनिश, पुर्तगाली, ठीक है। पहले जापानीज और चाइनीज ये सब में भी लिया करता था फॉर थर्ड एडिशन, सेकेंड एडिशन, बट अभी जो फोर्थ एडिशन है वो उसके लिए इतने ही सारे लैंग्वेज सपोर्टेड है, तो बेस्ट ऑप्शन है इंग्लिश, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आई एग्री चेकबॉक्स क्लिक करके ज्वाइन टू वेटिंग लिस्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना वेटिंग लिस्ट देख लेंगे एंड फिर आपको एक काउंटडाउन ऐसे मिलेगा, आप अप्लाई करेंगे तो ये आके वेट लिस्ट पे आके रुक जाएगा। और जब ये वेट लिस्ट से आप आगे बढ़ेगा तो आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको मिलेगा कि आप एक्सेप्ट हो चुके हैं, एंड वहाँ पे वो लोग क्लाउड के बारे में 2 वीक डिस्कस करेंगे 2 या 3 सेशन में, एंड देन आपको वो कुछ टास्क प्रोवाइड करेंगे एंड टास्क आप कंप्लीट करेंगे तो फिर सेकेंड लेवल पे जाएंगे जहाँ पे आपको 7 डेज के लिए एक्सेस होगा, जो आपको क्या करेगा कि आप वहाँ पे एक्सेप्ट हुए एंड फिर आपको 2-3 वीक 2 या 3 सेशन लेंगे जहाँ पे आप उस सेशन को अटेंड करेंगे एंड फिर कुछ वो लोग टेस्ट बेसिक से क्लाउड के लैब्स देंगे जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। जब वो कंप्लीट कर लेंगे तब आप अगर कंप्लीट करके फिर फॉर्म फिल करेंगे तब आपकी सर्टिफिकेट जर्नी स्टार्ट होगी। इफ़ यू गॉट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो फिर 10 वीक की आपकी सर्टिफिकेट जर्नी स्टार्ट होगी एंड तब आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब बात करते हैं किसको कौन से सर्टिफिकेट चूज करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं, ये लिंक पे मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितने सारे सर्टिफिकेशन है गूगल क्लाउड के एंड किसको क्या चूज करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गूगल क्लाउड ने अपना सर्टिफिकेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया, फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन, एसोसिएट सर्टिफिकेशन एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन है जो एकदम बेसिक के लिए है, फॉर एग्जांपल जो अपना कैरियर अभी थिंक कर रहे थे या कॉलेज में है कि हम मेरे को क्लाउड के साइड में जाना है, तो वो लोग क्लाउड डिजिटल लीडर सर्टिफिकेशन चूज कर सकते हैं और वो जा सकते हैं। ये बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड है, यहाँ पे आपको सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट और बेसिक सर्विस क्या क्या गूगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है वो सब सारे आपको मिलेंगे एंड यहाँ से आप वो चूज कर सकते हैं। बट अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में है या डेवऑप्स के फील्ड में है एंड आप सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप एसोसिएट सर्टिफिकेट के लिए जाइए। जो एसोसिएट सर्टिफिकेट क्या है, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस 6 मंथ के लिए मांगता है और वहाँ से आप सारे सर्विसेज के बारे में इन डिटेल आप जान सकते हैं। और वो क्या होगा, क्लाउड इंजीनियर सर्टिफिकेशन, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर से क्लाउड के फील्ड में है एंड आप गूगल क्लाउड पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं एंड गूगल क्लाउड इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आप वहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं। जो मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन होगा अगर प्रोफेशनल के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट आप क्लाउड आर्किटेक्ट के लिए जाइए, उसके बाद जिस रोल के लिए है आप उस रोल के लिए जाइए। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस इंजीनियर है तो आर्किटेक्ट के बाद डेटाबेस, अगर डेवलपर है तो डेवलपर, डेटा इंजीनियर है तो डेटा इंजीनियर, डेवऑप्स में है तो डेवऑप्स के लिए। तो ये आपके फर्स्ट आप क्या कीजिए, क्लाउड आर्किटेक्चर दीजिए, उसके बाद जो रोल आपको शूट करता है उस रोल को आप चूज कीजिए एंड वही रोल के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये रहा कौन सा सर्टिफिकेट आपको चूज करना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन है एकदम बेसिक पे हैं लाइक गूगल अभी क्लाउड के बारे में बस यूट्यूब से या फिर ब्लॉग से पढ़े हुए हैं तो आप फाउंडेशनल सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लाउड पे हैंड्स ऑन करने को मिलेगा एंड फिर आप वहाँ पे गूगल क्लाउड के लैब्स और फिर गूगल क्लाउड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्लाउड के बारे में इन डेप्थ जान सकते हैं, उसके क्लाउड के सर्विसेज के बारे में। अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है क्लाउड के बारे में एंड आपको हैंड्स ऑन है एक्सपीरियंस इन द सेंस कि हैंड्स ऑन है, तो आप एसोसिएट के लिए जाइए। डिजिटल लीडर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा आपके लिए, तो आप एसोसिएट के लिए जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्लाउड पे तो फिर आप डायरेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो ये दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए मैक्सिमम चांसेस सारे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं एंड सबको फ्री सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो आप भी शॉर्ट लिस्ट हो जाइएगा एंड वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन क्लाउड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।